इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है रेलवे की तरफ से। कानपुर से फरुखाबाद स्टेशन पहुंची पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे में लावारिस ट्रॉली बैग होने से प्लेटफॉर्म पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में रेलवे पुलिस को सूचना दी गई और जब बैग की जांच की गई तो सबके होश उड़ गए। स्टेशन मास्टर, रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी की मौजूदगी में बैग का लॉक तोड़ा गया तो उसमें युवती का शव देखने से सभी सन्न रह गए। उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, इससे गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस कानपुर की ओर से सभी स्टेशनों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुटी है। रेलवे स्टेशन पर गाड़ी नंबर 55327 कानपुर से फरुखाबाद पैसेंजर गुरुवार रात करीब 10:45 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची और ट्रेन खाली होने के बाद करीब 11:15 बजे रेलवे का कैरेज स्टाफ ट्रेन के खिड़कियों, मेन दरवाजों और लाइटों को बंद करते हुए पीछे की ओर महिला की बोगी के पास कोच संख्या 07487 में पहुंचा तो दोनों शौचालयों के बीच एक लाल रंग का बड़ा ट्रॉली बैग लावारिस हालत में पाया गया। कैरेज स्टाफ ने प्लेटफॉर्म ट्रेन की जांच कर रहे आरपीएफ दरोगा बीडी शुक्ला सिपाही और सौरभ कुमार मीना और जीआरपी सिपाही धर्मवीर सिंह को सूचना दी। वो वहां पर पहुंचे और स्टाफ ने उसे हिलाना चाहा लेकिन वो हिला तक नहीं। आरपीएफ की सूचना पर ड्यूटी पर मौजूद स्टेशन मास्टर भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मेमो काटकर आरपीएफ जीआरपी को दिया। इसके बाद बैग को प्लेटफॉर्म पर उतारा गया और सुरक्षा महकमे ने स्टेशन मास्टर के सामने बैग का लॉक तोड़ा तो युवती की लाश को देखकर सभी सन्न रह गए। अफसरों ने रात में भी घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दी। शव के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे। उसके पैर में बिछिया भी थी और लाल रंग की टी शर्ट और काला सफेद लोअर पहने हुए थी। गले में काले रंग का धागा पड़ा था। पैरों में चप्पलें भी नहीं थी और शव के ऊपर तकिया रखा था। शव जीआरपी ने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रख दिया है। पुलिस ने शव के शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए है। यही नहीं, पुलिस की टीमें कानपुर की ओर सभी स्टेशनों के बाहर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुट चुकी है। जीआरपी के कार्यवाहक थाना अध्यक्ष संजय सिंह का कहना है कि युवती की शिनाख्त करने में जुटे हैं और इसके बाद ही खुलासा हो पाएगा। हत्या कैसे हुई ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही स्पष्ट हो सकेगा। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।